नमस्ते बच्चों, गुरुदेव अंतरजाल क्लास को आपको सुस्वागत है। मैं निरंजन, आज सातवीं कक्षा का पहला कविता पढ़ना है जी पढ़ना है। इस कविता के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला, इस कविता का शीर्षक का मतलब क्या है, शीर्षक का अर्थ क्या है, हम देखना चाहिए। पहले पढ़ना है जी पढ़ना है, पढ़ना मतलब रीड स्टडी, हम क्या करना चाहिए, पढ़ना है जी पढ़ना है, हम जरूर पढ़ना चाहिए बच्चों। शीर्षक में दिए गए है कवि चंद्रपाल सिन्हा यादव बच्चों के लिए कह रहे हैं, बच्चों क्या करना, पढ़ना चाहिए, जरूरी है। कैसे पढ़ना, क्यों पढ़ना, कहां पढ़ना, पढ़ना का महत्व क्या है, हम अच्छे तरह पढ़े तो क्या मिलते हैं, क्या लाभ होते हैं, क्या होता है, इस विचारों के बारे में इस कविता में दिए गए हैं कवि चंद्रपाल सिंह यादव। पहले पढ़ने का महत्व और पढ़ने का क्रम, इस कविता का उद्देश्य है पढ़ने का महत्व और पढ़ने का क्रम, कैसा पढ़ना, क्यों पढ़ना, कहां पढ़ना, किसके लिए पढ़ना। सो यहां विचार प्रकट कर रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं इस कविता से द्वारा कवि चंद्रपाल सिंह यादव। पहला, इस कविता में दिए गए कुछ शब्द भी हम देखेंगे और चौथा कवि परिचय भी देखेंगे बच्चों। पहला कवि परिचय देखेंगे, कविता का नाम क्या है, पढ़ना है जी पढ़ना है। कवि का नाम चंद्रपाल सिंह यादव, इनका काव्य नाम है मयंकर काव्य नाम। कवि परिचय देखेंगे, कवि चंद्रपाल सिंह यादव मयंक आधुनिक हिंदी साहित्य के विख्यात कवि है। इनका जन्म 1 नवंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। इन्होंने कई बाल गीतों की रचना की है। इनके प्रमुख बाल गीत है स्कूल खुल गए, खालो आम, एक रहे हैं एक रहेंगे, दीपों की कतार, जागृति गीत, किसान गीत, दूध मलाई आदि। मयंक कवि चंद्रपाल सिंह यादव का काव्य नाम है। चंद्रपाल सिंह यादव ने हिंदी साहित्य का आधुनिक कवि है, आधुनिक हिंदी साहित्य नए जमान का कवि है। इन्होंने अनेक बच्चों के लिए अनेक बाल गीत रचना किए हैं, बच्चों के लिए लिख सकते हैं बाल गीत, बच्चों के लिए लिख सकते हैं बाल गीत, उनमें अनेक है। इनका जन्म कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। कब हुआ, 1 नवंबर 1925, नवंबर 1, 1925 कानपुर में हुआ। तो इन्होंने विख्यात मतलब प्रख्यात या प्रसिद्ध हिंदी कवि है चंद्रपाल सिंह यादव। इन्होंने रचना किए हैं कुछ बाल गीत है, तो उनमें क्या है, स्कूल खुल गए, खालो आम, एक रहे एक रहेंगे, दीपों की कतार, जागृति गीत, किसान गीत। तो इन्होंने रचना किए गए कुछ बाल गीत, तो बच्चों के लिए प्रेरणा देने के लिए
विशेषतः इन्होंने बच्चों के लिए साहित्य रचना किए है हिंदी साहित्य में। कौन? कवि चंद्रपाल सिंह यादव। इनका काव्य नाम, काव्य के अंतिम कवि नाटक पद्य या गद्य अंतिम उन्होंने नाम रख सकते हैं, उनका नाम है काव्य नाम कहलाता है। काव्य का नाम भी रख सकते हैं, वो नाम है मयंक। मयंक इनका काव्य नाम है, इनका कवि चंद्रपाल सिंह यादव। चलिए इस कविता में दिए गए कुछ शब्दार्थ भी हम देखेंगे और उसके साथ साथ अर्थ भी देखेंगे और अर्थ अर्थ से हमें क्या मिलते हैं यह भी हम देखेंगे इस विचार। तो पहला शब्दार्थ जमकर, मतलब दृढ़ता से, अंग्रेजी अर्थ है कॉन्फिडेंटली। हम कैसा पढ़ना? कॉन्फिडेंटली, दृढ़ता से पढ़ना। खूब, बहुत, ज्यादा। इम्तहान, परीक्षा। इम्तहान मतलब क्या है? परीक्षा, एग्जाम। ताल ठोंकना, लड़ने की तैयार होना चाहिए। लड़ने के लिए तैयार, क्या लड़ने के लिए? युद्ध भूमि में सैनिकों ने युद्ध करने के लिए, शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उन्होंने तैयार हो जाते हैं। उस तरह हम भी परीक्षा पास करने के लिए रोज हमेशा हम पढ़ने के लिए तैयार होना चाहिए। दृढ़ता से परीक्षा पास करने के लिए हम तैयार होना चाहिए बच्चों, कम से कम 6 महीना या 7 महीने से द्वारा हमें पढ़ने का क्रम भी और पढ़ने के लिए सिद्धता होना चाहिए। इसलिए ताप ठोंकना कहलाता है। आगे मस्ती, मस्ती मतलब हंसी, एंजॉय अथवा खुशी कहलाता है। मस्ती मतलब क्या है? हंसी और मजाक भी कहलाता है। नेक्स्ट मेहनत, मेहनत मतलब परिश्रम या मुश्किल से, आसानी से नहीं है, हम मेहनत से काम करना या मेहनत से पढ़ना चाहिए। तो मेहनत से पढ़े तो हमको अच्छा अंक मिलता है, हम बहुत आसानी से परीक्षा पास कर सकते हैं और फलितांश भी, अच्छा फलितांश भी मिलते हैं परीक्षा पास होने के बाद। कैसे? हम ताल ठोंक कर, दृढ़ता से, मेहनत से पढ़े तो हमें अच्छे अच्छे अंक भी मिलते हैं और अच्छे फलितांश भी मिलते हैं। नेक्स्ट इनाम, इनाम मतलब पुरस्कार। परीक्षा पास होने के बाद आप उन्नत अंक से, उत्तम अंक से पास हुए तो आपको इनाम मिलते हैं, विद्यालय में या घर में आपके संबंधियों से भी पुरस्कार मिलते हैं बच्चों। इनाम मतलब पुरस्कार, अवार्ड। मदद मतलब सहायता, हेल्पिंग नेचर, हम दूसरों को भी मदद करना चाहिए पढ़ने का समय और हमारे जिंदगी में, हम वो मानव जीवन में हम मदद स्वभाव या सहायता मनोभावना रखना चाहिए। और पथ मतलब मार्ग, रास्ता, हमारा मार्ग, जीवन मार्ग या जीवन पथ अच्छा होता है, हम अच्छे नागरिक बनते रहे, हम अच्छे आदमी होते रहे। कब? हम अच्छे तरह पढ़े तो, हम अच्छे तरह का मेहनत से काम करें तो हमें अच्छा रास्ता खोलते रहे, भगवान ने अच्छा रास्ता देते हैं हमारे जीवन के लिए। सो यह विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कवि चंद्रपाल सिंह यादव। और इस कविता से हमें सीख मिलते हैं हम कैसा पढ़ना, क्यों पढ़ना, कहाँ पढ़ना। तो यहाँ विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले मैंने आपके लिए एक बार सस्वर वाचन, एक बार इस कविता को गाता हूँ मैं, आप
भी अभ्यास कीजिए घर में इस कविता में। कविता का नाम क्या है? पढ़ना है जी, पढ़ना है। तो यहां डिब्बा में दिए गए हैं, लाल डिब्बा में कविता का आशय क्या है या कविता का उद्देश्य क्या है। इस कविता से द्वारा बच्चे पढ़ाई और मेहनत का महत्व समझते हैं। क्या समझते हैं बच्चों? इस कविता से पढ़ाई का महत्व और मेहनत का महत्व भी समझ सकते हैं। हम अच्छे तरह पढ़े तो क्या होता है और क्या मिलता है और क्या नया मार्ग या नए मार्ग भी हमें खोल सकते हैं भगवान ने। और मेहनत के बारे में हम समझ सकते हैं बच्चों। मेहनत मतलब परिश्रम। चलिए मैं एक बार सस्वर वाचन करता हूं, आप भी मेरे साथ अभ्यास कीजिए घर में। आप अकेला या अकेली बैठकर यहां पद्य एक या दो बार पढ़िए और सस्वर वाचन भी कीजिए। कविता पढ़ना है जी, पढ़ना है। पढ़ना है जी, पढ़ना है हमको ऊपर चढ़ना है। पढ़ना है जी, पढ़ना है हमको ऊपर चढ़ना है। थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। पढ़ना है जी, पढ़ना है हमको ऊपर चढ़ना है। थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। पढ़ना है जी, पढ़ना है हमको ऊपर चढ़ना है। थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मजे के दिन। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मजे के दिन। पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन। मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। पढ़ना है जी, पढ़ना है हमको ऊपर चढ़ना है। थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम। मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। पढ़ना है जी, पढ़ना है हमको ऊपर चढ़ना है। पढ़ना है जी, पढ़ना है हमको ऊपर चढ़ना है। थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। जमकर खूब पढ़ेंगे हम। तो आप भी एक आध दो बार इस तरह सस्वर वाचन कीजिए। और कविता बहुत आसानी है और बहुत सुंदर है। चंद्रपाल सिंह ने बहुत खूबसूरत रचना किए है बच्चों के लिए। इस कविता पढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं और मेहनत के बारे में समझ सकते हैं बच्चों। तो मैंने भरोसा रखता हूँ आपको इस अवधि में हम चर्चा कर लिया कविता का उद्देश्य क्या है और कविता में दिए गए कुछ शब्दार्थ और कविता कवि का चौथा परिचय और कवि ने दिए गए इस सुंदर कविता को एक बार सस्वर वाचन भी किए हैं हम लोग। आप अगला कक्षा में इस कविता का भावार्थ भी देखेंगे बच्चों। देखने के पहले या समझने के पहले आप भी एक या दो बार पढ़िए इस कविता। और मैं भावार्थ कहने के पहले आपको भी कम से कम 50% आपको समझ सकते हैं। बाद में मैं भी भावार्थ भी कहलाता हूँ, तब आपको बिल्कुल इस कविता का भावार्थ भी समझ सकते हैं बच्चों। मैं भरोसा रखता हूँ इस अवधि में आप क्या सीखा या और क्या सीखा
शब्दार्थ का अर्थ और इसका महत्व और कविता का उद्देश्य और कवि परिचय और एक बात सस्वचन भी किए हैं हमें। अगला कक्षा में या अगला अवधि में इस कविता का भावार्थ भी देखेंगे बच्चों। मैं इस अवधि को समाप्ति करता हूँ, हम अगला कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।